तमाम जमींदार भाइयों को ये यहाँ से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ कभी कहीं वो देखे कि सुपेरियस पेस्टिसाइड से आप फर्टिलाइज़र या सीड कुछ भी आए तो अपने कंसर्न इंस्पेक्टर जो लॉ इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जो इनके है डिस्ट्रिक्टों में उनसे फौरी कंटेक्ट करें और सो दैट कि इमीडिएट एक्शन विल टेक। आज रात को ही हम 11 बजे से हमें इनपुट स्पेसिफिक इनपुट्स मिले थे कि यहाँ पे कोई लोड होने जा रही है कोई गाड़ी जिसमें फर्टिलाइजर के नाम पे सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर लाया जा रहा था। तो हम रात को ही हम उसके पीछे थे। तो सुबह 4 बजे हमने उस गाड़ी को ट्रेस किया तो हम उसको फिर वेरीफाई किया कि उनको कहाँ पे ये डंप करना है। तो एट लास्ट हम सुबह 9 बजे उन्होंने वहाँ डार फर्टिलाइजर उस लारू में वो उसने गाड़ी खड़ी कर दी जिसमें हमने देखा कि फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन जिसमें जो FCO में दर्ज ही नहीं है, जिसमें जो परमिसिबल नहीं है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम और बोरान हमने उसमें देखे 18 मेट्रिक टन। तो हमने बर वक्त जो साउथ कश्मीर की टीम थी लॉ एनफोर्समेंट टीम हमने बर वक्त उस गाड़ी को सीज किया और अब जो उसका उसमें 18 मेट्रिक टन जो खाद थी उसको डंप हमने किया है उसके जो प्रीमिसेस था डार फर्टिलाइजर। और ये जो आया था ये फर्टिलाइजर आया था गुजरात से फर्टिलाइजर आया। मैंने पहले भी आपको कहा है कि हमारे पास इस वक्त क्लियर कट डायरेक्शन है और ये डंपिंग सीज़न है हमारा। जो फर्टिलाइज़र का डंपिंग सीज़न होता है वो सर्दियों में ही होता है और हमारे डायरेक्टर साहब वर्दी डायरेक्टर साहब चौधरी मोहम्मद इकबाल की एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी जगह चाहे रात हो या दिन हो जो ही कोई सस्पिशियस मूवमेंट रिगार्डिंग दिस डंपिंग इस टाइम हो सकती है तो उसके लिए फौरी कार्रवाई होगी। और मैं तमाम ज़मींदार भाइयों को ये यहाँ से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ कभी कहीं वो देखे कि सुपेरियस पेस्टिसाइड से आप फर्टिलाइज़र या सीड कुछ भी आए तो अपने कंसर्न इंस्पेक्टर जो लॉ इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जो इनके है डिस्ट्रिक्टों में उनसे फौरी कंटेक्ट करें और सो दैट कि इमीडिएट एक्शन विल टेक ऑन द एक्यूज फ्रॉम द टू द एग्जीक्यूटिव डीलर्स।